पुणे पोर्शे कार एक्सीडेंट मामले में एक नया ट्विस्ट सामने आया है ड्राइवर के बयान के बाद इस पूरे मामले में खलबली मच गई है इस बीच दादा जो हैं उनकी तरफ से भी एक बड़ा बयान सामने आया अब इस पूरे मामले में जो नए ट्विस्ट आ रहे हैं उसे जानने के लिए आपको ये वीडियो अंत तक देखना होगा और क्या कुछ इस पूरे मामले में अपडेट हो रहा है क्योंकि लगातार इस मामले को लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं जब से उस नाबालिग को जमानत दी गई थी आपको बता दें कि पौशे पुणे कांड हादसे में दो लोगों की मौत हो गई है यानी कि दो इंजीनियर्स की मौत के बाद अब इस पूरे मामले में लगातार नए ट्विस्ट आ रहे हैं अब नया ट्विस्ट ये है कि ड्राइवर की तरफ से जो विशाल अग्रवाल का ड्राइवर है उस दिन जो पौशे कार में मौजूद था उसकी तरफ से एक बड़ा खुलासा किया गया है दरअसल आपको बता दें जिस तरीके से इस पूरे मामले में विशाल अग्रवाल से पूछताछ हो रही है नाबालिग से पूछताछ हो रही है अब ये सामने आया है उन दोनों की तरफ से यह खुलासा किया गया है कि पौशे कार नाबालिग नहीं चला रहा था ड्राइवर चला रहा था लेकिन इसके बाद अब ड्राइवर के खुलासे के बाद इस पूरे मामले में एक नया ट्विस्ट आ गया है ड्राइवर की तरफ से ये कहा गया है कि मैं एक गाड़ी चला रहा था लेकिन बार बार नाबालिग की तरफ से मनमानी की गई कि वो पौशे कार चलाना चाहता है विशाल अग्रवाल ने यानी कि जो नाबालिग के पिता हैं उन्होंने मुझे फ़ोन किया उन्होंने कहा कि आप नाबालिग को कार चलाने दीजिए और उसके बाद जब एक्सीडेंट हुआ उससे थोड़ी देर पहले नाबालिग ने ये गाड़ी चलाई थी अब देखिए यहाँ पर ड्राइवर की भूमिका बेहद महत्वपूर्ण हो जाती है क्योंकि विशाल अग्रवाल की तरफ से

ये गाड़ी चलाई जिसके बाद दो इंजीनियर्स की मौत हो गई मोटरसा, मोटरसाइकिल किस तरीके से कुचला गया और दो आ, दो लोगों की इस पूरे हादसे मौत हो गई जिसके बाद इस पूरे मामले ने सनसनी फैला दी इसीलिए फिर सनसनी फैलाई क्योंकि महज पंद्रह घंटे के बाद जो रहीस जादे हैं उन्हें ज़मानत मिल जाती है उसके बाद वी वी आई पी ट्रीटमेंट उनके साथ किया जाता है उन्हें बिरयानी परोसी जाती है फास्ट फूड पर परोसा जाता है और सिर्फ और सिर्फ इस बेसिस पर छोड़ दिया जाता है कि वो तीन सौ शब्दों का एक ऐसे लिखें और उसमें एक माफीनामे के तौर पर उसे देखा जाएगा इसके अलावा पुलिस स्टेशन में वो कुछ दिनों तक काम करें और उसके बाद वो रियलाइज़ करें कि उनकी तरफ से क्या मिस्टेक की गई है लेकिन जब ये पूरा मामला इसने तूल पकड़ा उसके बाद से कई सवाल यहां पर पुलिस के आ, काम पर उनकी कार्रवाई को लेकर जो है वो सामने आ रहे थे कई सवाल खड़े हो रहे थे कि कितनी बड़ी लापरवाही जो है इस पूरे मामले में की गई है जिसके बाद एक बात फिर से इस पूरे मामले को जुबेनाइल बोर्ड की तरफ से जो है कोर्ट के समक्ष रखा गया कोर्ट की तरफ से जुबेनाइल बोर्ड की तरफ से अब इस पूरे मामले में नाबालिग को सुधार गृह में भेज दिया गया है लेकिन विशाल अग्रवाल से भी लगातार पूछताछ हो रही है उन्हें भी हिरासत में ले लिया गया है उनकी भी मुश्किलें यहां पर बढ़ती हुई नज़र आ रही है इस बीच देखिए जांच का दायरा किस तरीके से आगे बढ़ रहा है अब आपको बता दें कि नाबालिग के दादा से भी पूछताछ की गई है कि विशाल अग्रवाल जो इस पूरे एक्सीडेंट के बाद से गायब बताए जा रहे हैं उनका फ़ोन नहीं मिल रहा है अब ऐसे में जब विशाल अग्रवाल कुछ दिनों तक कुछ घंटों तक जो है फरार इस पूरे मामले में लाए अब तो हालांकि उनकी गिरफ्तारी हो चुकी है उसके बाद दादा की तरफ से यह जो है अब खुलासे किए जा रहे हैं कि उस वक्त क्या उनकी विशाल अग्रवाल से बात हुई या नाबालिग से बात हुई जब एक्सीडेंट हुआ तो यह एक ऐसे कई सवाल हैं जो पुलिस की तरफ से उनके दादा से भी पूछे गए हैं हालांकि अभी तक ये साफ नहीं हो पाया है कि विशाल अग्रवाल ने अपना फोन कहाँ रखा है वही आपको बता दें इस पूरे मामले में लगातार एक्शन हो रहे हैं जो पब मालिक हैं उनकी मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आ रही हैं पब्स जो है उन्हें बंद कर दिया गया है क्योंकि आपको पता ही है कि

लगातार जो है कई सवाल पुलिस की कार्रवाई पर हो रहे हैं